हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 रीजन ऑफ एब्डोमन के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पे हमने 9 रीजन ड्रॉ कर रखे हैं। आप इसको समझिए, ये हमारी बॉडी का एंटीरियर पार्ट है, एब्डोमन वाला पार्ट है। और अब इसके अंदर हम इसको 9 रीजन ऑफ एब्डोमन को पढ़ेंगे। तो पहले हम साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड। जो बीच वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल के जस्ट ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। और अम्बिलिकल से जो नीचे वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। देखिए, 9 रीजन्स को याद करना बहुत इजी है। बीच वाला रीजन जिसको हम अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं, अम्बिलिकल से जो ऊपर वाला रीजन है उसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलेंगे, और अम्बिलिकल से जो नीचे वाला रीजन है उसको हम बोलेंगे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब जो राइट साइड का जो सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इसी तरीके से जो लेफ्ट वाला होगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। समझ में आया आपको? अम्बिलिकल के ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल के नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक के साइड वाला राइपो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसी तरीके से जो मिडिल वाला पार्ट होगा इसको हम नाम देते हैं लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन। उसी तरीके से इस तरीके से मिडिल वाले को हम देंगे लेफ्ट लंबर रीजन। जो लास्ट क्वाड्रेंट है उसको हम बोलते हैं इलियक रीजन। तो राइट साइड वाले को राइट इलियक रीजन और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट इलियक रीजन। तो राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। दोस्तों, इस तरीके से एब्डोमन के पार्ट्स को याद रखने का बहुत इजी तरीका है। 9 रीजन ऑफ एब्डोमन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसको किस तरीके से याद किया जाए। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है, बेसिकली आपको बीच वाला रीजन याद करना बहुत आसान है। जो जहाँ पे हमारा अम्बिलिकस होता है उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकस के ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन और अम्बिलिकस के नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसी तरीके से राइट साइड पे जो अपर क्वाड्रेंट होगा उसको एक बार आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन मानना होगा और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसी तरीके से लास्ट क्वाड्रेंट में राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन, मिडिल वाले में लेफ्ट लंबर रीजन और राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन। तो इस तरीके से आप 9 रीजन ऑफ एब्डोमन को याद रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? देखिए, जो अम्बिलिकस रीजन है वहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। हमारी राइट जो हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर एग्जांपल ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये हमारा जो हिस्सा है,
आप अम्बिलिकल रीजन से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पर, तो जो इस पार्ट का टू थर्ड हिस्सा होगा, टू थर्ड हिस्से पर ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे मैक बर्नीज पॉइंट। दोस्तों इस पॉइंट की खास बात क्या है, इसको हमें क्यों याद रखना चाहिए, ये पॉइंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस रीजन पर पेन होता है पेशेंट को तो वो पेन में भी अपेंडिक्स का हो सकता है। अगर इस जगह पेशेंट को पेन हो रहा है तो मे बी वो पेन अपेंडिक्स का हो सकता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक बर्नीज पॉइंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से मैक बर्नीज पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, अम्बिलिकल रीजन से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पर, और उसका जो टू थर्ड हिस्सा होगा वहाँ पर आपको मिलेगा मैक बर्नीज पॉइंट। अगर यहाँ पर पेशेंट को पेन होता है तो ये साइन होता है अपेंडिक्स पेन का, जिसको हम बोलते हैं मैक बर्नीज पॉइंट। और आज की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया 9 रीजन ऑफ एब्डोमन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।